दोस्तों केटीएम आरसी या ड्यूप या एनएसआरएस के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम गैर लीवर की। आप देख सकते हो गैर लीवर के अंदर बहुत ज्यादा प्ले है, और ये आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी इसके अंदर हल्की फुल्की भी प्ले आपको महसूस हो तो आपको इसके अंदर 10 नंबर का बोल्ट होता है, उस बोल्ट को जरूर टाइट करवा लेना है। इससे क्या फायदा होगा आपको बताते हैं अभी, कि एक तो आपकी गाड़ी का गियर डालने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, दूसरा आपकी जो गियर शाफ्ट है, गियर शाफ्ट आपकी खराब नहीं होगी, क्योंकि इसकी गियर शाफ्ट अगर खराब हो गई तो इजीली नहीं डलती। आपको गाड़ी का क्लच खुलवाना पड़ेगा, क्लच हाउसिंग खुलवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको टाइमिंग जो कनेक्टिंग रोड के अंदर टाइमिंग गिरारी है, जो स्पॉकेट है, उसको निकाल के उसके बाद गलता है, और उसको गालने के लिए है ना बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है, ज्यादा तो नहीं मगर पैसा लगता है। मगर उसके उससे ज्यादा एक रिक्स और भी होता है, अगर किसी भी मैकेनिक भाई से अगर गलती से भी टाइमिंग चैन की टॉप अगर आउट हो गया तो आपकी गाड़ी का इंजन भी खराब हो सकता है। तो आप ऐसी भूल ना करें, अगर आपको यहाँ पले लगे तो आपको ये नट पे हाथ जरूर मार देना है, और ये बहुत छोटा सा काम है।